होंडा यूनिकॉर्न भले आपको अवेलेबल नहीं हो पा रही है, लेकिन कंपनी ने पूरा फोकस किया हुआ है और फिर से होंडा यूनिकॉर्न की जो प्राइसिंग है उसको इंक्रीज कर दिया है। जी हाँ, आपकी होंडा यूनिकॉर्न फिर से और महंगी हो चुकी है। भले कंपनीज को अभी अपने नियर बाई शोरूम्स में या कोई भी शोरूम्स में इजिली अवेलेबल नहीं करा पा रही है और बहुत जगह इस गाड़ी की शॉर्टेज चल रही है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग इस गाड़ी की प्री बुकिंग करा के रखे हैं, लेकिन कंपनी ने इसकी ऑल न्यू प्राइसिंग लेके आ गई है। अगर हम इस गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में बात कर ले तो आपको हम बता देते हैं, इस गाड़ी की जो ऑल न्यू एक्सशोरूम प्राइसिंग आ चुकी है वो आ चुकी है 1,02,533 रुपये, 1,02,533 रुपीज़, 1,091 रुपये, 1,091 रुपीज़ का प्राइस इंक्रीजमेंट आ चुका है आप सभी की ऑल न्यू होंडा यूनिकॉर्न में। तो ये कुछ रहने वाला है लगभग 1,000 रुपये, 1,100 रुपये का प्राइस इंक्रीजमेंट जो कि अभी कंपनी ने होंडा की यूनिकॉर्न में कर दिया है, लेकिन ये गाड़ी कंपनी अवेलेबल नहीं करा पा रही है। कंपनी ने स्टार्टिंग में बताया था आपको इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर का एक बड़ा अपडेट इन्हों मिल जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पे गाड़ी अवेलेबल हो जा रही है साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर के साथ, लेकिन मैक्सिमम शोरूम में अभी भी गाड़ी अवेलेबल नहीं है। एक आपको यहाँ बड़ा अपडेट इन्हों मिलेगा साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर का, जो कि सेफ्टी वाइज एक नया नॉर्म्स आएगी, आप कंपनी को साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर प्रोवाइड करना जरूरी है। तो कंपनी साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर तो लेके आ रही है, लेकिन कंपनी इस गाड़ी को कहीं भी इजिली अवेलेबल नहीं करा पा रही है। अभी भी बहुत जगह इस गाड़ी की अच्छी खासी डिमांड है और बहुत जगह इस गाड़ी की अभी शॉर्टेज चल रही है। बाकी ये कुछ रहने वाला एक बड़ा अपडेट आपकी होंडा यूनिकॉर्न में, साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर्स आपको वो गाड़ी इन्हों मिलेगी, लुक फीचर्स, एलईडी हेडलैम्प और आपको जो डिजिटल मीटर कंसोल है ऐसा कुछ आपको इन्होंने मिलेगा। बस कंपनी आपको यहाँ पे एक साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर का एक नया अपडेट प्रोवाइड करेगी। लुक कलर कॉम्बिनेशन लगभग आपके पहले जैसे सेम रहने वाला है। बाकी आपको हमने इस गाड़ी की ऑल न्यू एक्सशोरूम और ऑन रोड प्राइसिंग की अगर बात करेंगे तो अब आपको ये गाड़ी लगभग 1,24,000-1,25,000 रुपीज़ ऑन रोड कॉस्टिंग करने वाली है। 1,02,533 रुपये इस गाड़ी की ऑल न्यू एक्सशोरूम प्राइसिंग आ चुकी है। तो कैसी लगे आपको ये ऑल न्यू एक्सशोरूम प्राइसिंग कमेंट में आप लोग जरूर शेयर कर सकते हैं। बाकी ये गाड़ी की ऑल न्यू एक्सशोरूम प्राइसिंग रहने वाली है। गाड़ी की अगर माइलेज के बारे में बात कर लें तो आपको ये गाड़ी लगभग इजिली 42 से 45 का माइलेज निकाल के देने में कैपेबल है। 40 से 45 का माइलेज आपको ये गाड़ी से इजिली इन्हों मिल जाता है, जो कि बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स है। ओवरऑल कंपनी अपने कंप्यूटर से 160 cc बाइक की पूरा फोकस की हुई है और अभी भी कंपनी इसके लुक कलर कॉम्बिनेशन कोई बड़े चेंजेस लेके आने के मूड में नहीं है। कंपनी जो अपडेट किया आपको यहाँ पे साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर का एक नॉर्मल सा अपडेट मिल गया, बाकी इंडिकेटर्स, हेडलैम्प, बाकी सारी चीज़ें वही रहने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी वीडियो अच्छा लगेगा, तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि रोजाना आप सभी के लिए हम लेटेस्ट कंटेंट कवर करते हैं और कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको हम बाइक को दुनिया से अप टू डेट रखें। बाकी अगर आप सभी के मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी होंडा यूनिकॉर्न से रिलेटेड या किसी भी दूसरी बाइक से रिलेटेड, तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि ये हमारे इंडिया की पहली बाइक थी जिसमें कंपनी ने मोनोशॉक सस्पेंशन प्रोवाइड किया था। आपको इसके जो बैक में सस्पेंशन मिल जाता है 5-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक, ये पहली बाइक थी जो मोनोशॉक सस्पेंशन लेकर इंडियन मार्केट में आई थी। उसके अलावा आपका इंजन जो रहने वाला 1 चेंज रहने वाला आपका इंजन, वही आपको 160 cc का BSS कंप्लायंट इंजन मिलने वाला। पावर फिगर्स वाइज कंपनी ने कोई भी डिफरेंशिएट यहाँ प्रोवाइड नहीं किया है, पावर फिगर्स आपके पहले जैसे अनचेंज रहने वाले हैं, पहले जैसे अभी भी आपको यहाँ पावर फिगर्स इन्हों मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा जरूर लगा होगा, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो को भी जितना हो सके उतने को शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके आप सभी की ऑल न्यू होंडा यूनिकॉर्न के बारे में।